सो इट्स मूल शोधन वर्स नंबर 42 एंड 44। अपान क्रूरता तावद यन्मूलम न शोधये तस्मा सर्व प्रयत्न मूल शोधनम आचरेत। मैं एक बार आप लोगों से पढ़वाऊंगा, ठीक है? यू हैव टू रीड अभी अभी इसके बाद, अच्छे से सुनिएगा। लिसन मी क्लियरली, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी, बिकॉज आई विल प्रोनाउंस यू हाउ टू चैंट दिस वर्स। ओके। हाँ, अपान क्रूरता तावत यावन मूलनम मूलम न शोधयेत तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मूल शोधनम आचरेत पीत मूलस्य दंडेन मध्यमा अंगुलीना आप अपिवा यत्नेन क्षालयेत गुह्यम वारिणा च पुनः पुनः वारयेत। वट वारयेत? कोष्ठकाठिन्यम आमाजीर्णम निवारयेत कारणम कांतिपुष्टयोश्च दीपनम वहनिमंडलम। इंग्लिश। अपान क्रूरता तावद्यावनम ज्ञावन मूलम न शोधयेत तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मूल शोधनम आचरेत पीतमूलस्य दंडेन। पीतमूलस्य दंडेन मध्यमा अंगुलीना अपिव यत्नेन क्षालयेत गुह्यम वारिणा च पुनः पुनः वारयेत कोष्ठकाठिन्यम आमाजीर्णम कोष्ठकाठिन्यम आमाजीर्ण निवारयेत। क्लियर हो रहा है इसी से? कारणम कांति पुष्ट योश्च कांति पुष्ट योश्च दीपनम वहनी मंडलम दीपनम वहनी मंडलम। चलिए मैं अब किससे कौन चैंट करेगा? प्लीज रेज योर हैंड। रेज योर हैंड योगीज, आई विल प्रोनाउंस बाय यू। प्लीज सर, कौन? अपान क्रूरता। संदीप जी, सिंधु? यस सर, हाँ सिंधु, हम लोग सुन रहे हैं, बोलिए। अपान क्रूरता तावद्यवान मूलम न शोधयेत तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मूल शोधनम आचरेत। आचरेत पीतमूलस्य दंडेन मध्यमांगुलिना अपि वा यत्नेन हाले क्षालयेद् गुह्यं वारिणा च पुनः पुनः वारिये वारयेत् कोष्ठ काठिन्य मामा जीर्ण आ आ निवारयेत् आ आ आ आ ब्रेक द वर्ड्स। काठिन्य वारयेत कोष्ठ काठिन्य काठिन्यम काठिन्य आमाजीर्णम आमाजीर्ण आमाजीर्ण निर्व निव निवा निवारयेत् कारणं निवारयेत कांति कारणं कारण। कांति पुष्ट्योश्च दीपनं वह्निमण्डलम्। ओके, लेट्स दोस पॉइंट्स Who should be noted? Please note down. First of all, peet moolasya dandena. What you will use? Peet moolasya dandena. First one, peet moolasya dandena is very important. Second, madhyama angulina apiva. Second, madhyama anguli means your middle finger. Okay? Two points. Third one, chalyed guhyam varna cha punah punah. ठीक है, छालन मतलब धोना,
वॉश। वारयेत कोष्ठकाठिन्य, कोष्ठकाठिन्य मीन्स कॉन्स्टिपेशन, कोष्ठकाठिन्य मीन्स कॉन्स्टिपेशन। आमाजीर्णम, आम एंड अजीर्ण, ठीक है। आमाजीर्णम क्या होता है? आम क्या होता है? आम इट अकर्स व्हेन योर फूड डज नॉट डाइजेस्ट वेरी वेल, सो ये उसका बाय प्रोडक्ट बनकर निकलता है, ठीक है। चिपचिपा सा सफेद सा होता है ये, ठीक है। आमा जीर्णम निवारयेत। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? कांति पुष्टयोश्च, कांति देने वाला है, पुष्टि देने वाला है। व्हाट इज कांति, व्हाट इज पुष्टि? कांति एंड पुष्टि मीन्स ग्रेसफुल एंड हेल्दी, ठीक है। इट गिव्स यू ग्रेसफुलनेस एंड हेल्दीनेस। दीपनम, दीपना मीन्स इट स्टिमुलेट द डाइजेस्टिव फायर। वहनी मंडलम मीन्स, वहनी मीन्स फायर, मंडलम वहनी मंडलम मीन्स फायर ऑफ योर, इसको बोलते हैं ये डाइजेस्टिव फायर, द फायर ऑफ योर डाइजेशन कॉल्ड डाइजेस्टिव फायर। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दिस शुड बी रिमेम्बर बिकॉज यूजीसी कैन मेक क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट्स ओनली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पर्पस लेट्स कंपाइल ऑल द श्लोक्स। अपान क्रूरता तावद्याव मूलम न शोधयेत। अपान क्रूरता, हाउ मेनी वायुज देयर इन अवर योगिक ग्रंथ? हाउ मेनी फाइव वायुज? फाइव फाइव टाइम्स। इफ टोटल एंड इफ टेन, फाइव प्राणस फाइव इफ इफ आई आस्क हाउ मेनी वायु, सो यू विल से फाइव वायुस। बट इफ आई आस्क टेल मी इन ब्रीफ हाउ मेनी वायुस देयर, तो व्हाट विल यू से? टेन से फाइव मेजर वायुस एंड माइनर। हाँ, सो मेजर फाइव एंड फाइव उप प्राण, ठीक है। उपप्राण हाँ, प्राण एंड उप प्राण। अपान इज वन ऑफ देम, प्राण अपान समान उदान एंड व्यान। तो वी आर डूइंग हियर मूल शोधनम फॉर व्हाट? फॉर अपान वायु, ओके। सो हैव सम व्यू फॉर अवर पंच प्राण वायु, फाइव एनर्जी फ्लोस। तो व्हाट इज प्राण? प्राण वायु सिंपली कॉल्ड प्राण। इट इज इट्स ज्यूरिडिक्शन इज द चेस्ट और हार्ट रीजन। वेर इट विल बी फाउंड? इट विल बी फाइंड, यू कैन फाइंड इट योर चेस्ट और हार्ट रीजन एंड बिटवीन द थ्रोट एंड डायफ्राम। डायफ्राम। अकॉर्डिंग टू आई थिंक कठोपनिषद, दिस कमेंट्री इज आई थिंक बेस्ड ऑन कठोपनिषद। और देर आर सो मेनी ग्रंथाज हु आर टेलिंग दैट एवरी ग्रंथ हैज देयर ऑन व्यू, ओके। सो इट्स वेरी कॉन्ट्राडिक्ट, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल पर्पज हाउ प्रश्नोपनिषद हैज मेंशन इन देयर टेक्स्ट एंड हाउ एंड एनी अदर बुक, हाउ दे क्वेश्चन वी डोंट नो, वेयर दे विल आस्क वी डोंट नो। सो यू हैव टू मेक प्राण टेबल, एवरीवेयर वेयर प्राण हैज मेंशन यू हैव टू मेक क्लियर चार्ट। कठोपनिषद हैज मेंशन दिस वन एंड एनी अदर ग्रंथ यू आर, अब लोगों को याद आ रहा हो तो मुझे प्लीज लेट मी रिमाइंड। कठोपनिषद है पंच प्राण वायु, एनी अदर? प्रश्नोपनिषद हैज आल्सो, नो नो नो, प्रश्नोपनिषद सॉरी, कठोपनिषद नो, प्रश्नोपनिषद हैज पंच प्राण वायु देयर। एनीवन हु हैव रीड प्रश्नोपनिषद? प्रश्नोपनिषद, सो प्राण वायु इज क्लियरली मेंशन देयर। प्राण इज बिटवीन थ्रोट एंड डायफ्राम
through the medium of pranavayu, the lungs and heart rate maintain, breathing and blood circulation controlled. Okay, and what deficiency or deficiency can be happen? Malfunctioning of the heart and lungs. If any defection will found in our pranavayu, then we will suffer of our heart or lung disease. Okay, it's clear. Okay, now it comes to apan vayu, which is very important for apan krurta shodayet yavat moolam. Aisa karke jo bola hai shlok mein, kyun apan ki krurta important hai, let's have a look. The second pranavayu is apana. Okay, Girand, every Hathyoga Grantha has two main pranavayu, pran and apan. Okay, pran apan ka milan hi yog hai. Okay, so please let me remind how many definition you know, which is mentioned every Hathyoga Grant, at every Hathyoga Grant. First one is अपान और प्राण का मिलन ही हठ योग है. पहला फर्स्ट एनीवन, पहला प्राण अपान हो गया. सेकंड कॉन्सेप्ट, एवरी हठ योग ग्रंथ है देयर बाउंड्रीज, बट ये बाउंड्रीज जो मैं बता रहा हूं ना, ये इसी के इर्द और गिर्द चलने वाली है. हाँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? फर्स्ट वन इज प्राण न पाना, एवरी हठ योग ग्रंथ, whatever it is Yog Upanishad or it is Hathyoga Granth, Shiv Sanhita, Hathyoga Pradipika, Gorakh Samhita or whatever. ये इन्हीं points के आगे पीछे चलने वाली है, मैं उसको बताने वाला हूँ. Please write down. First one is Pranapana. Second one, they will mention about chakra. How many chakras? Seven types chakras. So when chakron ka bhedan, bhedan ko kya bolenge English mein, I don't know. Chakron ka bhedan is second concept. Okay, second concept is chakron ka bhedan. What you say chakron ka bhedan in English? I don't know. Please, anyone who have idea about chakron ka bhedan? Okay, let it be. I think Sushumna Khanda. What? Sushumna Khanda. Yes, sir. Mm-hmm. What? Tear. Yes, sir. Okay. So, chakro ka bhedan, aap Hindi samajh lo iski, theek hai? English hum baad mein samjhenge. First concept, pranapan ka milan hi yog hai. Shiv shakti ka milan hi yog hai. Theek hai? तीन परिभाषा हो गई. और कोई जानता है? कुंडली का जागरण, अवेकनिंग ऑफ कुंडली, फोर्थ डेफिनेशन. यू विल एवरी टाइम सी, ओके, एवरी टाइम यू विल सी दिस ओनली. फिफ्थ, एनीवन हु नोस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हठ योगा? चक्रास, ग्रंथि, ग्रंथि, यू नो ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि. सर, रुद्र ग्रंथि, फिफ्थ नंबर ग्रंथि. ग्रंथि शुड बी देयर. ओके, एनीथिंग एल्स जो आप जानते हो मुझे बताओ प्लीज. आप लोगों ने पढ़ा है, आपको पता होगा. और आपने क्या जाना है हठ योग की परिभाषा में? प्राणापान तो मैंने बता दिया, चक्र भी मैंने बता दिया, कुंडलनी भी मैंने बता दी. हाँ, और क्या बताया था चौथे में? हठ means, ह means पिंगला नाडी, and थ means आइडिया नाडी, and योगा means यूनियन. ओके, नाड़ी नाड़ी नाड़ी, विच नाड़ी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हठ योगा? सुषुम्ना, पिंगला नाडी. No, only Sushumna. Sushumna, sir. You have to awaken your Sushumna. Okay? Sushumna. It will go through your
chakras. The Sahasrara chakras. What? Sahasrara chakra. Chakra has already mentioned, I think. So, Susumna is very important concept for any Hatha Yoga Grantha. When Susumna will awaken, it will go through the chakras and it will jayegi aapke Muladhar to what? Sahasrara chakra. Or anything else? Granthiyon ka bhedan. How many granthis? Brahma granthi, Vishnu granthi and Rudra granthi. Sometimes Rudra granthi is on Agya chakra. Sometimes Rudra granthi is on your Anahata chakra. Okay? So three granthi. Teen granthiyon ka bhedan hoga, to Hatha Yoga granth hai wo. और कोई परिभाषा आपको मालूम हो तो बताइए मुझे. और कैसे हठ योगिक ग्रंथ कंप्लीट होते हैं? चक्र जागृत करते हैं, ग्रंथियों का भेदन होता है. और सोचो आप लोग क्यों नहीं सोच रहे हो? सो नाउ इट कम्स फॉर अपान प्राणवायु. ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है? इन फ्यूचर ये आपको हेल्प दे. अगर आपको इसमें डाउट हो अभी तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो. मैंने की पॉइंट्स बताए हैं, इन्हीं की पॉइंट्स के आगे पीछे ही आपके इंग्लिश सॉरी हठ योगिक ग्रंथ चलने वाले हैं. इन चारों पांचों पॉइंट को आप लोग लिख लेना, नोट डाउन. द सेकंड प्राणवायु इज अपान. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपान वायु? फंक्शन ऑफ अपान वायु इज किडनीज, ब्लडर, बॉवेल्स, एक्सिटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपल्सन ऑफ वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी इंक्लूडिंग गैस, फीसेस एंड यूरिन. ओके, what next? Ejaculation of sperm, monthly cleansing of womb and the expulsion of fetus in childbirth. Okay, childbirth, it's also important for childbirth. Yogis are all the part of the work of renewal performed by apan vayu. If any defect found in apan vayu, what will happen? The disease will create itself. Those are connected with these kidney, bladder, reproductive organs, anything. Okay, if some defect take place in its flow, disease may develop in the kidney, excretory system. Disorders such as constipation and hemorrhoids is very normal for those who have defect on their apan vayu flow. Okay, first symptom what will happen? Constipation and hemorrhoids. Hemorrhoids is result as a constipation. ठीक है, पहले constipation होता है, then hemorrhoids. What is hemorrhoids? It is nothing other than the piles, bawasir. Okay. Now it comes saman vayu. Saman vayu always it will found. What is the reason of saman vayu? Between the navel and diaphragm. Saman vayu flows sideways. Saman vayu activates your digestive organs, liver, stomach, pancreas, duodenum, spleen, small and large intestines, and control the digestive process. If any disturbance found in saman vayu, what will happen? It will lead to indigestion. Because why? It will lead to indigestion, guys. Why? Because saman vayu is what? What is saman vayu? Every time you read, we have already covered saman vayu. Jathar agni, deep vahani mandalam, deepanam vahani mandalam. ये हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, deepanam vahani mandalam. इसके पहले कितनी बार हमने पढ़ा है इसको? और किस टाइप से आया है ये? इसमें वहनी बढ़ती है, शरीर की अग्नि बढ़ती है. इसके अलावा और कोई है? आप किसी को याद नहीं है क्या? हमने तो पढ़ा है इसको कई बार. देह निर्मल कारकम नाशयेत. चलिए अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट आदर सेम. वहनी मंडलम मीन्स समान वायु. ठीक है, समान वायु. So,
any disturbance found in samanvayu, it will lead to indigestion and disease of the stomach. Next, second last, udan and vyan. What is udan? The fourth vayu is udan, which controls the sensory organs and the movement of the legs, arms, neck, and the activities of the brain. Because it founds at your throat. कहाँ पे पाया जाता है ये? At your throat. ठीक है? Paralysis or any kind of hand or feet disorder occurs in this vayu. What is vyan vayu? Vyan word comes from vyapt. What is the meaning of vyapt? The meaning of vyapt is pervades the entire body and which flows in every nadi of the body. Okay, so how vyan nadi works? Vyan nadi works as muscular movement. It's in sending impulses to different parts of the body and causes perspiration. What is perspiration? What is perspiration? Perspiration means you can say sweating. Okay. Perspiration, commonly known as sweating. It is the process by which our body releases fluid from sweat glands onto the skin surface. Okay. What is perspiration? It's sweating and goose place. Apan vayu is corrected by the practice of mool shodhanam. So, hum logon ne kyu padha? Because it's very important to know how many prans exist in our body. Five pranas. So why we are covering verse number 42 and 44? Why? Which prana is responsible for 42 and 44 verse? Apan pranavayu is responsible. That we are reading this verse. If a yogi who have decided of apan vayu cannot be removed without the performing mool shodhan, okay, or anal cleansing. What is mool? Mool means anal. Every time when you see word mool, mool, mool means what? Anal region, okay. Shodhanam means cleansing. So mool shodhanam means cleansing of anal region. Cleaning of the anus is essential with a turmeric root. First one is peet moola shadandena. Peet moola shadandena means turmeric root of, or second one, madhyama anguli, middle finger. So if UGC will ask how mool shodhan practice will be done, wahan pe option diye honge, madhyama anguli, index finger, middle finger, रिंग फिंगर और जो अभी केले का पढ़ा हमने रंभा दंडम पीत मूलस्य दंडम. सो व्हाट विल यू चूज? टू ऑप्शन. देर आर फाइव फिंगर मेंशन. देर आर सो मेनी काइंड ऑफ दंड मेंशन इन योर क्वेश्चन. सो व्हाट विल यू चूज? ओनली टू थिंग यू विल चूज. फर्स्ट वन इज पीत मूलस्य दंडेन विच इज टर्मरिक रूट. Peet moolas means turmeric root, haldi. Okay. Madhyama anguli means middle finger. Theek hai? You can use both of them. Anus is essentially with the turmeric root or middle finger. It is very important. Theek hai? Combined with repeated washing with water. This practice removes hard feces and constipation. The body becomes graceful and healthy and the digestive fire is stimulated. Simple vidhi hai, theek hai na? Is pe koi doubt hai kisi ko? Kaise hota hai ye mool shodhanam? Usko thoda sa dekh lete hain kaise hota hai. Theek hai? Kaise hota hai isko dekh lete hain. Short mein dekhte hain how it will happen. It is essential to sit in squatting position. Theek hai? Squatting position. For this practice, this position opens up the anus. Why it is important? Because it opens the anus region. And
thighs exert pressure on the stomach, which helps move the feces downwards. Okay, this is nothing other than your malasana. This is malasana. What you will do for this practice? Malasana, like this. While squatting, gently insert the turmeric stem into the anus. Keep it inside for 2 to 3 minutes so that the juice of the peeled stem is spread inside the anus and rectum. Okay. One quality of turmeric is that it absorbs toxins. Why we are inserting turmeric? Why? Because turmeric has the property, it absorbs the toxins. So all toxic matters or waste of our body are pulled towards the turmeric stem. ये खींचे चले जाएंगे, ठीक है? Absorb कर लेगा आपका हल्दी, आपकी जो turmeric है. That's why we are using turmeric here. Okay? After 2 or 3 minutes, the stem is removed and disposed of. ठीक है? This practice cleans the anal region. If the anus is hurt during this practice, और इफ वन हैज पेनफुल पाइल्स द टर्मरिक रूट एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक. ठीक है, इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा. प्रिकॉशन क्या हो सकते हैं? ट्रिम द फिंगर नेल्स प्रॉपरली. ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट? मध्यमा. ठीक है, फ्रिक्वेंसी एंड टाइम आप लोग पढ़िए. फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द नाडीज आर इंक्रीज्ड. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस टेक्निक? ब्लड फ्लो एंड फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द नाडीज are increased. Okay, enabling the excretory system to function efficiently and removing disorders, especially of the anus and rectum. Why it is important for yogis? Because आपका अगर पेट साफ नहीं है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. तो ये बातें जो है हमारे योगियों ने बहुत अच्छे से very clearly उन्होंने observe किया, देन उन्होंने ये बातें यहाँ पे मेंशन की हुई है. पेट सफा तो हर रोग दफा. एवरी टाइम वी सी दिस एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आप किसी भी प्रकार की साधना नहीं कर सकते. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट क्लीन योर एनस एंड रेक्टम बिकॉज इट विल क्रिएट अपान वायु एंड दैट विल मेक यू वेरी अनकंफर्टेबल. You will not control control your mind, nor even you can focus anything. Every time you will focus on that part, that will be your anus or rectum. There is something stuck on my rectum part. Every time you will think. So this is very important for all the yogis who want to attain the stage of samadhi. Okay? Once your hardened feces are expelled, you will get relief and you will focus everywhere, anywhere. Okay, so that's why Mool Shodhan improves the health in many ways. ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं Mool Shodhan? This is what it is. The main physical purpose of practicing Mool Shodhan is to relieve constipation. I have already discussed it with you. So for you guys, it's my indication for you. The main physical purpose of practicing Mool Shodhana is to relieve constipation. ये आप लोगों के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? In constipation, the feces may become as hard as stone, and the exertion needed to pass the stool causes pain, and often damages the lining of the rectum and anus. That is also called dentate line. Such straining can also cause hemorrhoids. This is piles. This is very common disease, piles. Why is it happening? Because we very strain when we sit in a commode. So don't strain. Mool Shodhan is an effective way of bringing relief. By applying ghee or turmeric juice inside the rectum, hardened feces can be expelled with greater ease. This is Mool Shodhan.
तो डोंट स्ट्रेन, ठीक है, नेचुरली चलना चाहिए। अगर आ रहा है, जैसे कि हमको वॉशरूम जाना है, सॉरी बाथरूम होता है, तो हम सिंपल जाते हैं, बाथरूम करके आ जाते हैं, वो एक प्राकृतिक है, नेचुरल, नेचुरली हो रहा है, ठीक है। वैसे ही हमको स्टूल पास भी करना चाहिए एकदम नेचुरली, किसी भी प्रकार की बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, बट बहुत से लोग करते हैं। सो बिकॉज आजकल के खान पान में हमने देखा है कि बहुत रफली हो गया, वो बनता ही है आपका अब कॉन्स्टिपेशन, बट हमको ध्यान ये रखना है कि अच्छे अमाउंट में वाटर पिए और फाइबर लें, एक्सरसाइज करें। अग्नि भी, अगर अग्नि आपकी डाउन होती है, अग्नि, व्हाट इज अग्नि? डाइजेस्टिव फायर। इफ योर डाइजेस्टिव फायर बिकम्स डाउन, यू विल फेस ऑल दीज प्रॉब्लम्स वंस अ लाइफ टाइम, एटलीस्ट वंस, इफ यू हैव लॉस योर डाइजेस्टिव फायर। ओके, हमेशा अपने डाइजेस्टिव फायर को आप अप रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अभी हम लोग आगे चल रहे हैं, दिस इज बस्ती, सो वी हैव कवर्ड धोती। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ धोती देयर? 13 सर, 13, ठीक है। मैं आई विल आस्क क्वेश्चन, ठीक है, हाउ मेनी अंतर धोती देयर? अंतर धोती, एनीवन ओपन योर माइक एंड फायर अप विद योर फोर टाइप्स ऑफ अंतर धोती, ठीक है। टेल मी द नेम ऑफ फोर अंतर धोती ज्योति जी। वात सर, वारी सर, वहनी सर, बहिष्कृतम सर। ओके, संदीप जी प्लीज टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हृदय धोती? Three types, sir. Tell me the name. Danda Vaman and Vastra. Danda Vaman Vasan. Yes, Vasan. How many Danda Dhoti there, Sovanji? Three. Haan, sir. How many Danda Dhoti you know? 5 types. Okay. Tell me the name of 5 Danda Dhoti. Sir, mouth. Mouth? Dant. Kapal. Chakshus. Chakshu? Not Chakshu, yaar. Chakshu hai nahi. Kaan, do kaan. तीन हो गए और एक। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स यू हैव? 5 टाइप्स। आपका उसमें जिह्वा है, कर्ण है, ठीक है, ये 2 है, उन 5 में से ये 2 है आपके, ठीक है। दांत और कपाल आपके सेंस ऑर्गन में नहीं है, ठीक है। दंत धोती में आपको केवल 2 सेंस ऑर्गन मिलेंगे, लेकिन 5ों पे काम करेगा वो। चलो, आप लोगों ने धोती अच्छे से पढ़ लिया है, इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को मालूम है। और कोई क्वेश्चन बन सकता हो तो मैं पूछ सकता हूँ आप लोगों से। सर, वसन एंड वस्त्र सेम नेम सर? हाँ, बोथ आर सेम। आकंठम पूरयेत वारी, आकंठम, व्हाट इज आकंठम? यू नो वेरी वेल, आकंठम पूरयेत वारी वक्त्रेण च पिबे सनै चालयेत उदरेण एव च उदर रेचयेत अध। व्हाट इट इज, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आकंठम पूरयेत वारी वक्त्रेण च पिबेत सनै सनै चालयेत उदरेण, उदर मीन्स योर स्टमक, च उदर रेचयेत अध। व्हाट इट इज,
वारिसारा धोती सर। वारी सारा धोती। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आकंठम पूरियत वारी मींस गले तक पानी पीना है, स्लोली स्लोली अप टू योर थ्रोट, चालयेत उदरेणेव एंड रेचयेत अधः। आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा ना। हाँ, संस्कृत समझ में आ रही है ज्योति जी? यू विल गिव आंसर नाउ। आई एम आस्किंग। हाँ सर, वारिसारा धोती सर। ओके, वारिसारा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभि ग्रंथिम मेरु प्रस्थे, नाभि ग्रंथि मेरु प्रस्थे शतवारम चकारयेत, व्हाट इट इज? सर अग्नि सर। यू आर ज्योति जी। हु इज ज्योति? प्लीज गिव आंसर। आई थिंक ज्योति वहनी सर। वहनी सर, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। श्रोवन जी यू विल गिव आंसर। उदराम यजम, उदराम यजम त्यक्त्वा जठराग्निम विवर्धयेत, विच इज रिलेटेड विद विच सत्कर्मा? सर और एक बार बोलिए। उदराम यजम त्यक्त्वा जठराग्निम विवर्धयेत, व्हाट इज उदर आम यजम? उदर मीन्स योर स्टमक, आमयज मीन्स अनडाइजेस्टिव फूड मेक्स आम, आम मीन्स कपाल भाति ना यार, अग्निसार। दिस इज द बेनिफिट ऑफ अग्निसार धोती, आप लोग को पता होना चाहिए। देव देहम भवे ध्रुव सब में मिलता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। धारयेत अर्धयामम, अर्धयामम चालयेत अधोवर्तमना, धारयेत अर्धयामम, अर्धयामम चालयेत अधोवर्तमना। अनामिका जी व्हाट इज इट? बहिष्कृता। वेरी गुड, you guys are amazing. Anything else? How many types of okay, let me make question for you. वो दो चीज कौन कौन सी हैं विच यू कैन यूज फॉर दंदमूल धोती? टू थिंग्स ओनली, बाय टू थिंग्स यू कैन डू दंत धोती, सॉरी दंत मूल धोती, सॉरी दंत मूल नॉट दंत धोती सर। मड एंड कादिरा द्रस। कादिरा, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड हाउ मेनी टाइम्स दंत धोती शुड बी परफॉर्म? फाइव टाइम्स। दंत मूल धोती आप ब्रश करते हो फाइव टाइम्स? नो 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 सर। फाइव टाइम्स यू ब्रश योर टूथ? नो सर, टू टाइम्स। ओनली नित्य मिला है यहाँ पे, और ऐसा टू टाइप्स नहीं लिखा है, ठीक है? नित्य डेली करना है आपको, एक ही बार करिएगा सुबह, ऐसा लिखा है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? जिह्वा शोधन, जिह्वा शोधन। मैं नहीं बताऊंगा कहां से पूछ रहा हूं मैं। इन कर्णरंध्र धोती
विच फिंगर यू विल यूज इन कर्ण रंध्र धोती, इन कर्ण रंध्र धोती, व्हाट विच फिंगर यू हाउ मेनी नेम विच फिंगर टेल मी द नेम ऑफ दोज फिंगर्स इंडेक्स एंड रिंग फिंगर सर इंडेक्स एंड रिंग फिंगर ring finger sir and middle finger and you will use your ring finger okay and middle finger are you doing mool shodhana here yes ring finger aapka naam bhi yahi anamika ji anamika ji You will use only two finger for karn randhra. It is very important for exam. First one Anamika, Anamika Kuri, Anamika. Second Tarjani index. Anamika means ring finger. Tarjani means index finger. Only two fingers. This one and this one. Okay. Sindhu, you are there. Yes, sir. If you are someone who want to listen Nad, which dhoti you will do? Karnarandra dhoti. Karnarandra dhoti. Very good. Very good, Sindhu. Okay. I am gonna go ahead, guys. Okay. It's for short quick recap. I will ask this type question for you. Prepare yourself for श्लोकास ओके आप लोग समझ रहे हैं ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश बट आई विल आस्क लाइक दिस सो इट कम्स वस्ती धोती सॉरी बस्ती दिस इज बस्ती व्हाट इज बस्ती बस्ती मीन्स एनिमा यू नो एनिमा एनिमा एवरीवन नो एनिमा जल बस्ती शुष्क बस्ती बस्ती चा दुविधो स्मृतो यू हैव टू रिमेम्बर देर आर टू टाइप्स ऑफ बस्ती देयर द फर्स्ट वन इज जल बस्ती जल बस्ती विल डन इन द वाटर एंड शुष्क बस्ती सदा छितऊ शुष्क बस्ती विल बी डन इन द छितऊ मीन्स इन द लैंड और ड्राई प्लेस So where you will do jalvasti in the water, shushkvasti you will do in the dry place or land, jameen mein. ठीक है? How many types vasti? Two types of vasti. ठीक है. Sir, that is sthala vasti or shushkvasti. Sthala and shushk both are same. Okay. Shushkvasti and sthal vasti. Sthal है. इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं स्थल बोथ आर सेम ठीक है ये दोनों सेम है बोथ आर सेम डू रिमेम्बर गाइस योगा एक्सेप्ट दैट इवन योगी फॉल सिक इट्स सीन इन द लाइफ्स ऑफ मेनी अकम्प्लिश्ड साधकास दैट इवन आफ्टर अटेनिंग हायर स्टेट इट इज डिजीज दैट takes their bodies so disease किसी को नहीं छोड़ती सभी को लेती है ठीक है योगा वालों को भी डिजीज होते हैं बट फिर भी हम योगा क्यों करते हैं when you will do meditation when you will do yog nidra you will do chanting any kind of sadhana sudarshan kriya yog whatever you do what you will get in your life you will face same problems same as those people who are facing in their life like depression anxiety whatever but what is the difference between you and them what is the difference you have the knowledge of yoga you are doing yoga but they are not doing yoga and but you both are facing same problems in your life
So what is the difference between them? Sir, we can having the ability to handle those things at that time, sir. Yes. Yes, very good. So yoga gives you strength. How to cope with stress? How to deal with those situations who are not in your favor? Okay. So yoga gives you strength. Here is example of Ramakrishna Paramhans who had throat cancer. Everyone knows who is Ramakrishna Paramhans. Who is Ramakrishna Paramhans? Guru of Swami Vivekananda. Vivekananda, very good. Swami Vivekananda was also facing some problems. He was great yogi. He was also facing problems. So it doesn't matter you are doing yoga, that means you will not have any kind of disease. Disease will kisi ko nahi chhodti hai disease, sabko hoti hai. But aap jaldi cope karoge, jaldi apne aap ko recover karoge, theek hai? So, but if the disease that manifests in their bodies are due to the karmas of other, karmas is very important, theek hai? Aisa bhi hota hai, isko aap padhiyega, why basti? बस्ती हम क्यों कर रहे हैं इसको आप जरूर जाने बस्ती क्यों कर रहे हैं भाई हम लोगों का पेट तो पहले ही साफ हो गया ना धोती में वी हैव ऑलरेडी क्लीन अवर स्टमक वी हैव ऑलरेडी क्लीन अवर एनस एंड रेक्टम बोथ बाय डूइंग मूल शोधना देन व्हाई वी आर डूइंग बस्ती हेयर इज इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस व्हाट डू यू थिंक गिरण ऋषि हैज मेंशनड बस्ती हेयर सेकेंड पार्ट सेकेंड बस्ती Why? Because Mool Shodhana, you can do Mool Shodhana or Sangh Prakshalana once in a six months. Okay? Practiced once in every 6 months. Whereas Basti may be undertaken regularly to remove constipation and clear the bowels while the problem persists. So this is the difference between dhoti and basti. Basti can do regularly if there is some problem in your body. But sangh prakshalana you cannot do sangh prakshalana every day or every end of the month. Giran Rishi has clearly mentioned only two times in a year. How many times? Sangh prakshalana will be done only two times in a year. In which ritu? I have given you Basant and Sarad. ठीक है ये याद रखना Basant and Sarad. This is Basant and Sarad क्या होते हैं मालूम है ना? Autumn बोलते हैं शायद इसको. चलो आगे देखते हैं. What is Jalvasti? Of course, it is very clearly mentioned. Jal, it will happen in water. Water basti. Nabhi magna jale, payun istana lot katasana, vichasana utkatasana. In which asana you will do Jalvasti? Utkatasana. It is very important for you. Please note down. Akunchanam, contract, prasaram, relax, jalvastim samacharet. Simple. Jalvasti aapne jaan li, kya hoti jalvasti? Definition has already cleared here, but we will go little bit deep. What is jalvasti? Let's break the words. नाभि मग्न जले पायुन्य what is पायु हेयर बिकॉज दिस वर्ड विल कम अगेन एंड अगेन पायु एनीवन हु नो रेज योर हैंड एंड प्लीज लेट मी नो इन द चैट इफ यू नो what is पायु गाइस
No one knows. Five means anus. Anus, sir. Anus, okay? Every time you will see this word. Every time. Nabi means novel. Jelly means water. Payu means anus. ठीक है. पायु न्यस्तवान. पायु न्यस्तवान. न्यस्तवान means बैठा हुआ साधक. उत्कटासन. How to do उत्कटासना? Is there in Hindi? So it is standing in water up to the navel. Utkatasana, sir. Sir, half what? So this is what position? Why they did not add their Utkatasana pose here? दिस इज नॉट उत्कटासना. उत्कटासना कैसे बताऊं? दोनों घुटनों को मोड़कर जल में खड़े होने को उत्कटासन बोलते हैं. ठीक है, वेरी सिंपल मेथड. नॉर्मली इन द पूल्स दे गिव द पनिशमेंट नील डाउन. लाइक इट इज नॉट लाइक अ नील डाउन, जस्ट अ हाफ सिटिंग पोज, लाइक अ चेयर पोज, लाइक दैट. हां, चेयर पोज. इट्स अ चेयर पोज. एग्जैक्टली. सिटिंग इन द वाटर अप टू द नवल. Adopt Utkatasana, then contract and expand the anal region, and this is Jalbhasthi. Okay, this practice removes what? It removes the wind disorders, which is also known as wind disorders. Krur Vayu Nivariyet. What is Udavarth? What is Prameh? Prameh means wind disorder, urinary digestive disorders. Please let me clear, guys. This Prameh means diabetes. Prameh means so that diabetes. In Ayurveda, we know Prameh as diabetes, but there is no any kind of word of diabetes here. Why? Udavarth is wind disorder. Udavarth is wind disorders. Prameh. I think Prameh is gonorrhea here. You know gonorrhea? Huh? यहाँ पे जो गोनोरिया लिया हुआ है वो इसमें से लिया हुआ है. देखो, गोनोरिया कॉलोक्वियली नोन एज द क्लैप इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरियम नेजीरिया गोनोरिया. सो द वर्ड्स गोनोरिया रिप्रेजेंट यूरिनरी डिसऑर्डर्स, बट आई नो प्रमेह एज डायबिटीज. आई विल क्लियर गाइस फॉर इंग्लिश वर्जन. ठीक है, मैं इसको क्लियर करूंगा बाद में. प्रमेह क्या होता है वास्तव में, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं हिंदी में भी, बहुत सारी गलतियां हैं. मैं निकालूंगा आप लोग के सामने, देखना आप लोग. तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जलवस्थि? प्रमेह रोग, उदावर्त रोग, क्रूर वायु. तीन चीजें हो गई ना. फर्स्ट वन इज प्रमेह. दिस इज प्रमेह मीन्स यूरिनरी डिसऑर्डर्स. उदावर्त इज विंड डिसऑर्डर्स. क्रूर वायु, दैट इज ऑल्सो विंड डिसऑर्डर्स. भवेत स्वच्छंद देहश्च, एंड इट मेक्स योर बॉडी ब्यूटिफुल लाइक कामदेव. हु इज कामदेव? कामदेव इज अ गॉड ऑफ ब्यूटी. ही इज वेरी ब्यूटिफुल, द गॉड ऑफ लव. द गॉड ऑफ लव, हु इज कामदेव? So how will you get the body like Kamdev?
in Jalvasti you will see this, and in Sitkari, Sitkari, what is Sitkari? Sitli, Sitkari. Comparative study, आप लोग जरूर याद रखिएगा. Sitkari is a Kapalbhati. In Kapalbhati, you will see the same benefit. Kamdev Samubhavet in Jalvasti also, and Sitkari Kapalbhati. There is also mentioned Kamdev Samubhavet. ठीक है, ये हो गया, आप कल पढ़ेंगे इसको. आप लोग चाहे तो खुद से भी देख सकते हैं. स्थलवस्ति सिंपल है, पश्चिमोत्तानासन में किया जाता है. इसको एक बार पढ़ ले रहे बस, ठीक है. पश्चिमोत्तानतो वस्तिम चालयित्वा शनैः शनैः. हाउ विल यू डू स्थलवस्ति? इन पश्चिमोत्तानासन. बट इन जलवस्ति विच आसन यू विल डू? विच आसन, टेल मी. उत्कट आसन. बट इन स्थलवस्ति विच आसन यू विल डू? पश्चिमोत्तानासन. आफ्टर पश्चिमोत्तानासन अश्विनी मुद्रा. व्हाट इज अश्विनी मुद्रा? सेम एज जलवस्ति, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अश्विनी मुद्रा एंड मूलबंध? इन अश्विनी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा वी डोंट होल्ड अवर एनल रीजन, बट इन मूलबंध वी होल्ड एनल रीजन फॉर सम टाइम्स. ठीक है, बंद बंद. ओके ओके. अश्विनी मुद्रा सेम एज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. पायु मीन्स, पायु मीन्स व्हाट? एनएस. एनएस व्हाट यू डू? एनएस आकुंचन एंड प्रसारण, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. दिस इज स्थलवस्ति, सेम एज जलवस्ती, बट यू विल परफॉर्म स्थलवस्ती ऑन द लैंड. ठीक है, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्थलवस्ती? इट इज क्लियरली मेंशन, कोष्ठ दोष. यू ऑलरेडी नो व्हाट इज कोष्ठ दोष. व्हाट इज कोष्ठ? कोष्ठ मीन्स योर लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दोष मीन्स व्हाट विल हैपन इन योर लार्ज इंटेस्टाइन. Hardened feces, constipation, both are same. कोष्ठ दोष means constipation, ठीक है? एवं अभ्यास योगेन कोष्ठ दोषो न विद्यते. कोष्ठ दोष नहीं होता है, never happen. विवर्धयेत, वर्धयेत means बढ़ना. इसको बढ़ने को क्या बोला यहाँ पे? It removes the disease of stomach and enhance. विवर्धयेत means enhance. What it enhance? It enhances the jathar agni. It enhances the jathar agni and aam vatam vinashaye. What is aam vat? Indigestion food convert into toxins, sir. Convert to toxin, but this is not. This is aam. This is aam. What you are talking about? Aam. आव बनना, ऐसा हम बोलते हैं आव बनना. बट हियर इट वर्ड्स आम 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 वातम. इट इज अर्थराइटिस. बट व्हाई डिड नॉट मेंशन आम वातम हियर? आप लोगों को समझ में आम वात क्या होता है? आम वात रोग अलग होता है एक, बट उन्होंने मेंशन ही नहीं किया यहाँ पे आम वात को. स्टमक एंड बॉवल्स बोला है, डाइजेस्टिव फायर बोला है, बट दे हैव नॉट सीन दिस वर्ड हेयर विच इज एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन. जठराग्निम फर्स्ट वर्ड, देन आम वातम. जठराग्निम आम वातम बन गया वर्ड. इट इज इट क्लियर ना आप लोग के लिए? विवर दिए जठराग्निम, यहाँ पे लिखा है आम वातम. तो वेयर इज आम वातम? आम बात कहीं दिख रहा है ही नहीं. आम बात दिस वुड मेंशन, इसीलिए इंग्लिश में बहुत सारी कमियां हैं. हिंदी में है कि नहीं है? हिंदी में भी कमियां हैं वैसे तो देखा जाए. देखें जरा, रुको. नहीं, हिंदी वालों में कमी नहीं है भाई.
यू आर वॉचिंग माई स्क्रीन ना. हेलो यस सर. सो हियर इट इट्स क्लियरली मेंशन विवर्धये जठराग्नि आमवातम. जठराग्नि का वर्धन होता है. आमवात को साफ मेंशन किया है और विनाश ये आमवात का विनाश करता है. क्लियरली मेंशन बट इन इंग्लिश यू कैन सी दे हैव नो आइडिया अबाउट आमवात. आई थिंक आमवात इज योर गठिया रोग. आर्थराइटिस सर. आर्थराइटिस यस इट इज आर्थराइटिस. ओके प्लीज मेक इट क्लियर व्हाट इज आमवात. अब वी विल कवर नेक्स्ट टाइम. सो दिस इज स्थल वस्ति. ठीक है. वी ऑल नो अश्विनी मुद्रा. ठीक है. दिस इज अश्विनी मुद्रा. नीति हम कल पढ़ेंगे. अब बहुत सरल है. मैं देखना आपको लास्ट तक ना इतनी सारियां इस पे कमियां बताने वाला हूँ. इंग्लिश हो या हिंदी हो कोई मैटर नहीं करता मेरे को. इंग्लिश हिंदी आप लोगों को समझ में आ रहा है ना. हेलो. यस सर. यस सर. देखो हम लोग बुक से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होकर नहीं पढ़ रहे हैं. हम लोग खुद से पढ़ रहे हैं. खुद से सेंस बना रहे हैं कि कहना क्या चाहते हैं. ठीक है. हम अगर स्थल वस्ती पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं. हम वस्ती पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं. धोती पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं. अगर इससे नाद हो रहा है तो क्यों नाद हो रहा है. हम ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग के साथ पढ़ रहे हैं. ठीक है. ऐसे लोगों की तरह रट्टा नहीं मार रहे. वंस व्हेन यू विल डन ऑल घेरण संहिता यू विल टीच एनीवन. हम ऐसा पढ़ रहे हैं. टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज इट्स अ काइंड ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम. ओके. इट्स नॉट नेट जेरा क्लास यू कैन से. ओके ना. अब हम लोग कल मिलते हैं. कल षटकर्म इन कर देंगे. ठीक है.